अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, जल्दी जल्दी पूरा खेत पड़ा खोदने को। भले आदमी ऐसा काम ना चलने का, गहरा करके मार फावड़ा गहरा करके। प्रधान जी खोद तो रहा हूँ, क्यों टाटे करे यार हो? मेरी सास के टाटे बता रिया, दोपहर को रोटी खानी है जूती है, ओ खोद तो गिना गहरा करके। खोद रही हूँ प्रधान जी, खोद रही हूँ। हाँ खोद खोद ले, इंगे खोद, देखो मार गहरा करके फावड़े, शाबाश, ओ गहरा करके मार। ये प्रधान जी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जमीन तो कतई बंजर है और सुबह से लेके खुदवाया जा रहा हूँ, खुदवाया जा रहा हूँ, माजरा क्या है? बेटे रात मेरे परदादा मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस जमीन में खजाना दफन है, वो भी करोड़ों रुपए का, बस वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधान जी ख्वाब के चक्कर में मेरी क्यों ऐसी मार रहे हो? ओए मुंह को कम चला ले, भागू खोद। प्रधान का बच्चा पागल हो गया दिखे, खोद खोद। भले आदमी लोंडियों जैसे हाथ चला रहा, बिल्कुल लो रगुला फावड़ा, हम खोदेंगे, देख खुदाई कैसा हो गया, हटे गोरु। निकल गया खजाना, अरे तगड़ो निकल गया रे। प्रधान जी मिट्टी की हड़िया तो निकली है, कौन सा खजाना निकला है? सुसरी के घसकुदाई रही है पूरी जिंदगी, निकाल इसे, खोल इसे। अबे दगड़ो मजा आ गया, मेरा ख्वाब सच निकला, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे परदादा ने मुझे ये भी बताया था कि ये खेत ऐसे ऐसे खजानों से भरा पड़ा। अब चल घर चलते हैं, कल फिर खोदेंगे, आजा। अब देखना तू दगड़ू, पूरे काम को खरीद के फेंक दूंगा पूरे काम को। अबे आदमी को आदमी थोड़ी समझूंगा। अरे चाचा आज प्रधान जी के खेत में ना खजाना निकल आया, जय बड़ी हड़िया सोने से भर रही। तूने अपनी आंखों से देखी? आंखों से? अरे चाचा अपने हाथों से खोदा मैंने, कल को फिर खोदेंगे। और प्रधान जी कह रहे थे पूरे खेत में खजाना भरा पड़ा। उस प्रधान को कैसे पता कि खेत में खजाना दबा पड़ा? उनके परदादा सपने में आए थे, उन्होंने बताया खजाने के बारे में। बेटे कल्लन, इस हिसाब से तो प्रधान बहुत मालदार होएगा। एक काम करते हैं, प्रधान के घर चलते हैं, वहीं जाकर पता चलेगा माजरा क्या है। पेवर माल पेवर। अब प्रधान जी आएंगे क्या? आएंगे, आजा भैया नेताजी आजा। आओ भाई नेताजी आओ बैठो। मैं कैसा आना हुआ अच्छी रात में? अजी आना जाना क्या हुआ, हमने कुछ सुना। क्या सुन लिया भाई? हमने सुना कि तुम्हारे खेत में खजाना निकल लिया, बताइए। बिल्कुल निकल लिया, कल को भी निकालेंगे, देखो सोना ही सोना। अजी वो तो हम देख रहे हैं, वही देख के तो पेट में होल हो रही है। क्या? अरे प्रधान जी मैं ये कह रही हूँ कि क्या गारंटी कि कल को भी सोना निकलेगा? अरे फुल गारंटी है नेताजी फुल। कल रात हमारे परदादा जी हमारे सपने में आए कि जहाँ हमारा खेत है वहाँ कभी राजा का महल हुआ करता था, और उस महल का बहुत बड़ा खजाना आज भी उस खेत में दफन है। प्रधान जी ये सब काल्पनिक बातें, तुम्हारे खेत में तो रखे खजाने। काल्पनिक बात है? मेरे सुतरे मसूर की दाल से पतले प्राणी जुगत से चपत मार दिया तो वहां गिरेगा जाके। मैं नेताजी मैं तुम्हारा लोंडा तो बहुत बड़ा बेगह रहता है भाई, घर जाके मारियो जरूर। अरे सही तो कह रहा हमारा बेटा, ख्वाब का भी कोई भरोसा? वाह हमारे ख्वाब की कोई अहमियत ही नहीं है, है? कल को फिर खोदेंगे, अपनी आंखों से आके देख लियो। चलो वो भी देख लेंगे, उसमें क्या, चल बेटे। चल भाई दगड़ू शुरू हो जा। गहरा करके आवाज।
निकलेगा निकलेगा। दगड़ू यहाँ को मारिए, यहाँ को मारिए, यहाँ को। अरे यार तू हट यहाँ को, हम खो देंगे, हम निकालेंगे खजाना। बेटा तगड़ू निकालिए तलाक। शाबाश, बेटे कल्लन यहाँ तो वाकई में खजाना निकल गया भाई। कहो नेताजी क्या ख्याल है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखियो होता है क्या, पूरा गांव खरीद के फेंक दूंगा पूरा गांव। प्रधान जी जमीन बेच रहे हो क्या? मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। वाह मियां, करोड़ों का खजाना तुम्हें बेच दे, हमसे बड़ा चूतिया कौन है भाई, क्यों तगड़ू? अजी कोई बात भी है? अरे प्रधान जी तुम तो नाराज हो रहे हो, मैं इस जमीन की डबल कीमत देने को तैयार हूँ। सही बात है, फिर तुम करोड़ों कमाइयो आराम से और हम खोपड़ी खुजाऊंगे इसकी। अरे प्रधान जी तो कितने पैसे लोगे इस जमीन के? मैं नेताजी तुम्हारा लल्ला भी बिजनेस के मामले में बहुत चंट लग रहा है मुझे, कच्ची गोलियां ना खेल लिया आयो। मैं नेताजी जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो एक काम करो, 20 लाख रुपए बीघे के हिसाब से दे दो। अस्तगफिरुल्लाह 20 लाख? अरे प्रधान पागल हो गया है क्या? अरे लाख रुपए बीघा ना दे इस जमीन का कोई। नाना प्रधान जी पैसे कम करो यार। 25 लाख रुपए बीघा। अरे प्रधान जी 30 लाख। बेटे 35। अरे प्रधान जी ठीक है 20 पे डन करो, तुम तो यार करोड़ों पे पहुंचा दोगे। अरे अब्बा क्या कर रहे हो, ये जमीन तो 1 लाख रुपए बीघा भी ना है। चुप रहे, खजाना देखा है कितना? अरे जितने पैसे हम दे रहे हैं ना इतना तो एक कोने में निकल आएगा। सुना ना तूने, पहले यहाँ राजा का खजाना था। तो प्रधान जी बताओ कितने पैसे बन रहे हैं? भाई नेताजी बात ऐसी है कि ये जमीन है 2.5 बीघा, 20 लाख के हिसाब से 50 लाख रुपए बैठ रहे हैं। अब 50 लाख रुपए लेकर हवेली पे आ जाओ, इतने हम कागजात बनवाते हैं, हैं? क्यों दगड़ू उठा लिया। हाँ चलो लो जी प्रधान जी पूरे 50 लाख हैं, हाथ निकाल लो। मैं नेताजी कैसी बातें कर दी यार, तुम लेके आए हो तो पूरे लाए होगे। लो जमीन के कागजात। अच्छा चलो तो प्रधान जी चलते हैं फिर। अरे मैं कह दिया चाय वाय पी लेते। ना प्रधान जी अब तक खेत पे ही पियेंगे, बहुत खुदाई करनी है हमें। चल बेटा रब पैसा। अब्बा खोद खोद के कांच निकल गई, पूरा खेत खोद के फेंक दिया, कहाँ है खजाना? बेटे मुझे तो लगा प्रधान ने हमारे साथ गेम खेल दिया। हम भी तो देखें जमीन कैसा ना बिकती है, साली बिकेगी सोने के भाव।